सही है। यहाँ पे जब पिन इंसर्ट करूँगा तो देखना वो लाइट जो है उस लाइट को यूज़र गाइड है इसकी मशीन की, मेड इन चाइना है। ये इसका सेफ्टी रूल्स वगैरह है और ये इसका पाइप है। पता नहीं कितना मीटर है लेकिन होगा ज़्यादा ही, बाद में बता दूंगा मैं। और इस पाइप के एंड पे ये फिल्टर लगता है, ये फिल्टर जो बकेट के अंदर घुसाएंगे ताकि कोई भी कचरा वगैरह इसके अंदर ना घुसे, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत टाइट करने की, ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। तो ये बास का पाइप के लिए जो है ना एक अलग से इन्होंने नॉब दी हुई है, और उसके साथ ये इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका चार्जर है 21 और 100-240 यानी 110-220 दोनों पर आई थिंक चल सकता है ये। और इसके अलावा ये इसकी बैटरी है 36 वोल्ट, अच्छी शेप में और खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। और ये जो है इसके अंदर जो फोम लिक्विड डाल के आप यानी सोप का मटेरियल डाल यानी इसके ज़रिए फेंक सकते हैं। और ये गन है, गन की लुक बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है और प्लास्टिक बहुत अच्छा है इसका, यानी मटेरियल बहुत बहुत नीट एंड क्लीन है। अच्छा, ये इसका फ्रंट पार्ट है जो इसमें लगेगा, अगर इससे पानी फेंकेंगे वो इधर से और सामने से बाहर निकलेगा और बेतुके अंदाज में बाहर आएगा। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है, इसको इसके हिसाब से डालेंगे, ठीक है। और पुश करना पड़ेगा थोड़ा, यानी ये देखना है कि ये जो इसकी ये चीज़ है ये यहाँ पे जगह बनी हुई है, ये इसमें सीधा जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको पुश करेंगे थोड़ा सा और उसको एक साइड पे मोड़ देंगे, ठीक। और उसके बाद इसके साथ ये दो किस्म के नोज़ल आती हैं, जिसमें एक नोज़ल में सिर्फ आपको गोल सुराख नज़र आ रहा है और एक में थोड़ा लंबाई में नज़र आ रहा है। गोल सुराख से सीधी तेज़ धार की तरह पानी निकलेगा और इससे जो है ये फैला हुआ पानी एक साइड पे यानी निकलेगा। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि आप इस नोज़ल को पीछे करें और इसको थोड़ा सा पुश कर दें और ये लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह निकालना, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, ये नीचे करके निकालना पड़ेगा। इसी तरह ये जो है ये भी सेम ऐसे ही लगा दिया। अब इसको आप किसी भी रुख करेंगे तो ये इस तरह निकालेगा, ऐसा करेंगे तो ये इस रुख में पानी निकालेगा। और इसके अलावा ये यहाँ पे लगता है इसकी तरफ, यानी कि मैं इसको वापस निकालता हूँ और इसको तो मैं इस तरीके से लगाता हूँ, ठीक है। पुश करूँगा नीचे और ये बैक साइड इस तरह बन गया। और इस तरफ जो है ये पाइप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये पाइप लगेगा इस तरीके से और ये जो है जाके इसमें फिक्स होगी, ये चीज़ पाइप इससे लग जाएगी। ये बकाया मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और देखेंगे इसके, वैसे इसके पैकेट पे लिखा हुआ है ये लास्ट में बैटरी वोल्टेज 21-36 है, मेरे पास 36 वाली है और पीक प्रेशर जो 30 बार है, मेरे ख्याल काफ़ी है ये। और रेटेड पावर जो 400 वाट है, ज़्यादा बिजली भी नहीं खाने लगा और वाटर आउटपुट 15 लीटर पर मिनट है। क्रूज 35-50 मिनट है। चले चेक करते हैं, अच्छा
अच्छा ये बताता चलूँ कि बैटरी चार्ज करने का तरीकेकार इसका क्या है। बैटरी में इंसर्ट पिन यहाँ पे लगती है और ये इसका चार्जर है, तो इसका तरीकेकार ये होगा कि मैं इस चार्जर को यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगी, सही है इसकी लाइट। और जब ये चार्जर जो है मैं इसमें जो पिन इंसर्ट करूँगा तो देखना वो लाइट जो है उस लाइट को देखते जाएं, जो ये इंसर्ट करूँगा रेड होगी, यानी इसका मतलब है कि इसने चार्जिंग स्टार्ट कर ली है। जब ये चार्ज हो जाएगा इसकी निशानी ये होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसा डिजिट वाला कोई निशान या लाइट नहीं लगी बनी हुई, ठीक है। इसकी चार्जिंग की निशानी ये होगी कि ये वाली लाइट ग्रीन हो जाएगी, जब ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब चार्ज हो गया। और बस ये है कि इसकी बुकलेट पर भी लिखा हुआ है कि ओवर चार्जिंग से कोशिश करें बचें, और ओवर चार्जिंग ओवरऑल किसी भी बैटरी के लिए कॉर्डलेस बैटरी के लिए ठीक नहीं होती, या किसी किस्म की जो चार्जेबल बैटरीज के लिए ओवर चार्जिंग ज़्यादा ठीक नहीं रहती, यानी बहुत आप लगा के भूल गए हो तो उसके लिमिटेड टाइम को बस नोट कर लें और उसी तक की याद से इसकी चार्जिंग के बाद इसको बंद कर देना चाहिए। सही हो गया, अभी मैंने फुल कनेक्शन कर दिया है, पानी इसके अंदर सही है। और यहाँ से मैं मशीन इसके अंदर तीन दो ऑप्शन है, एक बटन एक दफ़ा दबा देता हूँ, अभी पानी आ गया। चेक करते हैं प्रेशर कितना अच्छा है, क्या इसको ये फाड़ पाएगा या नहीं। देखिए प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है, अभी ये चीज़ हम देखते हैं दूसरी वाली नज़र से, ये तो सिर्फ धार निकालती है, ये नॉलेज की ये जो है वो बड़ी धार निकालेगी, ये चीज़ इसको देखते हैं पहले। प्रेशर तो बहुत अच्छा है, मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं कि इसका आपकी दूसरी और नॉलेज खास करके बता देते हैं कितना इसका दूर तक जाता है बीम इसका पानी का। अभी मैं इस दीवार से लगभग 4 फुट के पास से दूर हूँ, बल्कि मैं इससे भी दूर जा रहा हूँ। पाइप इसका 10 फुट से है, ये पाइप एग्जैक्टली मैं बाद में ढाबे दिखाई हूँ। मैं तकरीबन इससे एक दो तीन तो 3 मीटर दूर जा रहा हूँ, 3 मीटर दूर से मैं मारूंगा इस दीवार पर, आप देख लेना कैसे दिख सकता है। ठीक है गाड़ी को धोने के लिए ठीक है, लेकिन तकरीबन 2 मीटर और 1 मीटर भी बेहतरीन किस्म है। 1 मीटर तो बहुत सख्त प्रेशर है कि मेरा मुझे जब मैंने रखी थी वैसे लगा फट जाएगी इसके लिए, लेकिन ऐसे कोशिश करेंगे इसके आगे बहुत जोर पर लगता है। बाकी
ये वाली साइड है, मट्टी मट्टी जो नजर आ रही है ना, ये ना इधर मेटर पाए। हाँ ये